भारतवर्ष सिमुलेटर 3D गेम के मेरा पहला गेम प्ले में आपका स्वागत है। ये गेम तो गाइज कुछ 387 MB का कुछ था, लेकिन इसका जो तो ग्राफिक्स है ना, देखिए से थोड़ा रुक रुक है। मेरा फ़ोन में 8 GB रैम है, फिर भी इतना कुछ स्मूथली नहीं चल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा मतलब खेलने को झिझक रहा था। लेकिन सोचा कि आप लोग को दिखा दूँ ये गेम कैसा है, आप लोग को खेलना चाहिए या नहीं। मेरे हिसाब से तो आपको नहीं खेलना चाहिए, इतना रुक रुक के चल रहा है, आपको दिमाग ख़राब हो जाएगा। ये देखिए ये कहाँ गायब हो गया था, आगे से गाड़ी कोई बात नहीं, लेकिन ग्राफिक्स सही होना चाहिए। इतना बड़ा मतलब 387 मतलब कम नहीं होता, इधर 60-70 MB का ट्रक गेम होता है, उसका ग्राफिक्स इससे अच्छा, मतलब स्मूथ तो चलता है, स्मूथ चलना चाहिए। बस दिखने में अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, फिर अगर देखिए थोड़ा सा रुक रुक के चल रहा है, इसमें तो आपको मतलब खेलने का मन ही नहीं करेगा। कोई बात नहीं, थोड़ा सा चलाते हैं इसको, आप भी देखिए अगर आप खेलना चाहते तो एक बार ट्राई कर सकते, लेकिन मैं नहीं सोचा कि आपको पसंद आएगा ये गेम। सो एंजॉय द गेम प्ले। और बहुत है यार, और नहीं झेल सकता इस गेम को, उससे 5 मिनट के ऊपर हो चुका है। अगर आप ये गेम खेलना चाहते ना मैं मतलब इंस्टॉल ही मत कीजिए, बेकार आपका जो स्टोरेज है वो फुल हो जाएगा। सला 387, मेरा लाइट भी चला गया इसलिए थोड़ा सा ब्लैक स्क्रीन दिख रहा होगा आपको, लेकिन इतना घटिया है ना यार, पर लैग कर रहा है। मतलब मेरे मोबाइल में 8 GB का रैम किया, इसको 100 GB रैम चाहिए PC में खेलने के लिए, ये गेम तो नहीं बना PC में खेलने के लिए।
और अच्छा हो सकता था सिर्फ भारतवर्ष यूनिट में। सोचा सर नाम तो जबरदस्त है, बड़ा भी लग रहा है गेम, तो इसके ऊपर और भी ज्यादा गेम प्ले बना सकते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। आज एक गेम प्ले से मैं तंग हो चुका हूँ और आगे नहीं बनाऊंगा इसके ऊपर गेम प्ले। आपको अगर खेलना ट्राई करिए एक बार, अगर आपको पसंद आएगा तो देखिए।